ओके, तो मेरे पास यहाँ पे दो डेक ऑफ कार्ड्स है, एक आपका ब्लू डेक हो गया और एक रेड डेक हो गया, ठीक है। तो अभी मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा कि इनमें से कोई भी एक डेक चूज करना है। मान ले तो उसने चूज किया ब्लू डेक, तो अभी हम इसका यूज करेंगे। एंड अभी जो है मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा कि इस डेक से दो रेड एसेस निकाल के रखने, ठीक है। तो लेट से वो डेक को लेता है और फिर वो दो रेड एसेस जो है उसको को जिस तरीके से निकाल के रखता है। एंड अभी जो है मैं इन दोनों रेड एसेस की मदद से एक कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो अभी मैं डेक को जिस तरीके से टेबल पे स्प्रेड कर देता हूँ, और मैं अभी स्पेक्टेटर को बोलूंगा कि जो ये दो रेड एसेस है इसके मदद से कोई भी एक कार्ड को सैंडविच कर देने, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने इनमें से ये वाला जो कार्ड है यहाँ पे इसको को जिस तरीके से सैंडविच कर दिया, ठीक है, ये वाला जो कार्ड है, और यही हमारा सिलेक्शन है ये जो है यहाँ पे बीच में। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है दो रेड एसेस को उस सैंडविच कार्ड के ठीक बीच में हम जो है कुछ इस तरीके से रख देंगे। एंड अभी मैं डेक को स्क्वायर अप कर देता हूँ, एंड अभी ये डेक जाएगा साइड में। एंड यहाँ पे मेरे पास रेड डेक है, सेम चीज़ मैं इस डेक के साथ भी करने वाला हूँ, बस बट इस बार जो है मैं करूँगा, लास्ट टाइम स्पेक्टेटर ने किया था। तो मैं यहाँ से जो है दो रेड एसेस निकाल के रखता हूँ, तो ये हो गया एक एस और फिर ये हो गया हमारा दूसरा एस, ठीक है। तो ये दो रेड एसेस हैं, मैं अभी सेम चीज़ करूंगा, मैं अभी इस डेक को जिस तरीके से स्प्रेड करूंगा टेबल पे, ठीक है। एंड फिर मैं दो रेड एसेस को लूंगा और एक कार्ड लेट से ये वाला इसको कुछ इस तरीके से सैंडविच कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर मैं डेक को क्लोज कर देता हूँ, एंड सेम मैं दोनों एसेस को इंसर्ट कर देता हूँ डेक में। तो अभी जो है हम चेक करेंगे कि जो स्पेक्टेटर ने जो कार्ड सेलेक्ट किया था वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कार्ड है जो स्पेक्टेटर ने सैंडविच किया था राइट हियर। एंड अभी रेड डेक में चेक करते हैं, तो ये वाला कार्ड मैंने सैंडविच किया था यहाँ पे। एंड जो कार्ड मैंने सैंडविच किया था वो था थ्री ऑफ हार्ट्स, और जो कार्ड स्पेक्टेटर ने अपने मन से सैंडविच किया था वो भी है एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट, थ्री ऑफ हार्ट्स। तो ये वाला जो सैंडविच प्रेडिक्शन कार्ड ट्रिक है करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है, और काफ़ी पावरफुल ट्रिक है। इसमें स्पेक्टेटर जो है दो रेड एसेस की वजह से कोई भी रैंडम कार्ड सैंडविच करता है, आप भी एक रैंडम कार्ड सैंडविच करते हो और एंड में जो है दोनों कार्ड मैच हो जाता है। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास दो डेक है, एक रेड डेक हो गया एक ब्लू डेक हो गया। अभी मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा कोई भी डेक चूज करने, मान लेते उसने चूज किया फिर ब्लू डेक, तो अभी ये जो डेक है मैं स्पेक्टेटर को दूंगा और वो दो रेड एसेस को मैं बाहर निकालने बोलूंगा, ठीक है। तो मान ले तो उसने दो रेड एसेस बाहर निकाला, एंड फिर मैं क्या करता हूँ, मैं डेक को जिस तरीके से स्प्रेड करता हूँ टेबल पे, एंड स्पेक्टेटर को बोलता हूँ कोई भी रैंडम कार्ड जो है इनमें से वो लेगा और फिर उसको कुछ इस तरीके से सैंडविच कर देगा दोनों रेड एसेस के बीच में। तो मानते हैं उसने सैंडविच किया ये वाला कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड है इसको स्पेक्टेटर ने जो है सैंडविच कर दिया यहाँ पे, एंड ये वाला जो है ये हमारा सिलेक्शन है। एंड अभी जो है मैं डेक को जिस तरीके से स्क्वायर अप करता हूँ, ठीक है। एंड जब मैं स्क्वायर अप कर देता हूँ अभी जो है मेन स्लाइट होता है, तो आप क्या करते हो, आप इन दोनों रेड एसेस को कुछ इस तरीके से स्क्वायर अप करते हो, फिर आप डेक को जिस तरीके से फ्लिप करोगे, ठीक है। एंड फ्लिप करने के बाद आप क्या करोगे, अब अपना जो हाथ है उसको कुछ इस तरीके से टिल्ट करोगे, एट द सेम टाइम आप डेक को थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, ठीक है। एंड फिर आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे जो है एक काफ़ी बढ़िया प्रिंसिपल यूज़ होता है, आप डेक को स्पेक्टेटर की तरफ ऐसे टिल्ट कर रहे हो, और जब आप ऐसे टिल्ट करोगे आप इन दोनों कार्ड को जब पुश करते हो आप नोटिस करोगे कि जो इन दोनों कार्ड के बीच का कार्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से पीछे से बाहर निकल जाता है। तो ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया थ्री ऑफ क्लब्स है, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस तरीके से टिल्ट किया हूँ, मैं जब इसको ऐसे देख लिया हूँ, ठीक है, देखने के बाद मैं सिंपली इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। एंड अभी मुझे पता है कि जो उसका सिलेक्शन है वो है थ्री ऑफ क्लब्स। अभी डेक को मैं साइड में रख देता हूँ, फिर मैं रेड डेक लेता हूँ। एंड अभी आपको दो चीज़ एक साथ करना है, तो आप बेसिकली दोनों रेड एसेस ढूंढोगे जैसा कि मैंने परफॉर्मेंस में ढूंढा था, एंड एट द सेम टाइम आपको थ्री ऑफ क्लब्स भी ढूंढना है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ क्लब्स है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे थ्री ऑफ क्लब्स मिल जाता है तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, और मुझे जो पहला एस मिलता है उसको जब मैं बाहर निकालता हूँ तो ये जो थ्री ऑफ क्लब्स है इसको मैं ऐसे कट करके पीछे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो थ्री ऑफ क्लब्स है वो ऊपर चला जाए। फिर मैं एक रेड एस निकालता हूँ, एंड फिर मैं थोड़ा और स्प्रेड करके जो दूसरा रेड एस है उसको निकालता हूँ। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे पता है थ्री ऑफ क्लब्स जो वो ऊपर है, मैं कट करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम जब मैं कट को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूँ, एंड फिर मैं ऐसे कार्ड्स को स्प्रेड करता हूँ टेबल पर रखता हूँ। फिर अभी जो ब्रेक के ऊपर का पूरा पाइल है
मैं उसको उठाऊंगा, उसको स्प्रेड करूंगा और ब्रेक के ऊपर का जो पूरा पाइल है उसको निकाल के इसके ऊपर रखूंगा। अभी मुझे पता है ये वाला जो कार्ड है ये 3 of clubs है, तो स्प्रेड करता हूँ मैं और फिर इसको ऐसे यहाँ पे रखता हूँ और फिर मुझे बस याद रखना है कि यहाँ पे 3 of clubs है और फिर इस पैकेट को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ एंड फिर मैं 2 aces लेता हूँ और मुझे पता है यहाँ पे जो है 3 of clubs है, तो मैं दोनों एसेस को उस कार्ड के बीच में कुछ इस तरीके से सैंडविच कर देता हूँ एंड फिर मैं डेक को स्क्वायर अप करता हूँ एंड फिर दोनों एसेस को कुछ इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ एंड फिर मैं ब्लू डेक लेता हूँ, उसको स्प्रेड करता हूँ और जो सिलेक्शन है उसको बाहर निकालता हूँ। एट द सेम टाइम रेड डेक भी लेते हैं, उसको भी स्प्रेड करते हैं और जो सिलेक्शन है उसको बाहर निकालते हैं एंड फिर दोनों सिलेक्शन जो है वो मैच कर जाता है 3 of clubs। ठीक है, तो ये ट्रिक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वो जो पीक वाला है उसके टाइम आप जब कर रहे हो वो, तो एंगल का आपको ध्यान रखना है, तो दोनों कार्ड के बीच में जो है सिलेक्शन रहेगा। मेक श्योर करो कि आप डेक को ऐसे फ्लिप करो और फिर कुछ इस तरीके से आपको आगे की तरफ करना है, आगे स्पेक्टेटर देखेगा और अपने आपके एंगल से आप क्या करोगे, बेसिकली इसको पुश करोगे, आप देख लोगे 5 of clubs है और फिर आप स्क्वायर अप कर दोगे। काफी जल्दी करना है ये, ठीक है, और एंगल के साथ मैसअप मत करना वरना वो जो निकल रहा है वो दिख सकता है स्पेक्टेटर को। बाकी काफी सिंपल ट्रिक है एंड या इसको जैसे कि मैंने कहा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है एंड या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।